गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, यहाँ पर आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही है कि हम लोग गजानन महाराज के वीर पर आए थे, मतलब गजानन महाराज का जो मंदिर है अकोली में, वहाँ पर आए थे। और मैंने बताने के बाद भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप कौन से मंदिर में आए हैं। तो अकोट के पास अकोली है, मतलब छोटा सा गाँव है, वहाँ पर गजानन महाराज का मंदिर है। और वहाँ पर जो कुआ है ना, उसमें गजानन महाराज ने पानी लगाया था, इसी वजह से वहाँ के कुएं का जो पानी है वो हम लोग तीर्थ समझ के पीते हैं। और हमारे साइड के लोग गजानन महाराज को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आप अगर यहाँ के हो, महाराष्ट्र के, तो आपको पता ही होगा। अगर महाराष्ट्र के नहीं हो तो उनके लिए बता रही हूँ। गजानन महाराज का चरित्र तो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है। और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, गजानन महाराज डाल के आप देख लेना, उनको उनके बारे में आपको सब पता चल जाएगा। तो उनका जो मेन मंदिर है वो शेगांव में है। तो शेगांव जैसा ही यहाँ पर सेम संस्थान बनाने की कोशिश की है उन्होंने, ये भी काफ़ी बड़ा बना है और यहाँ पर भी काफ़ी लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो इसी वजह से हम लोग, जब भी मैं मायके आती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मतलब ज़्यादा दिन के लिए आती हूँ, ज़्यादा दिन के लिए तो वैसे मैं इस बार ही आई हूँ, बट जब भी अगर दो दिन के लिए या दो तीन दिन के लिए आती हूँ तो उस टाइम हम लोग पक्का आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है जिसमें मैंने डिटेल में दिखाया है मंदिर और डिटेल में बताया है, तो ब्लॉग ज़रूर देख लेना आप, आपको अच्छा लगेगा देखने से। और हाँ, हमने ये घर से ही बना के लाए थे टिफ़िन। तो हमने लाया था पालक के परोठे, और उसके बाद हम लोगों ने उसके साथ दही लाया था तड़के वाला, और एक और चीज़ थी जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई थी, जो भाभी फ्राई कर रही थी, वो क्या था, तो वो था रोटी, और बासी रोटी थी, उसको भाभी ने फ्राई किया और उसका खस्ता बनाया। उसके साथ हम लोगों ने ये तड़के वाला दही बनाया था, और ये है वो खस्ता, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसके साथ। अगर आप तड़के वाला दही खाते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ऊपर से तड़के वाला दही डालो, थोड़ा सा प्याज और टोमेटो काट के डाल दो, बारीक बारीक चॉप करके, और उस पर हल्का सा मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर दो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बना के ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस यहाँ पे खाना खाया हम लोगों ने और निकल चुके हैं खेत में जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो मेरे मम्मी के यहाँ पर कितना ज़्यादा खेत है, मतलब बहुत बड़ा खेत है हमारा। और उसके बाद वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पर हम लोगों ने घर भी बनाया है, काफ़ी पुराना हो चुका है घर, मतलब जो फार्म हाउस है, बट फिर भी आपको दिखा दूँगी मैं अभी आगे चल के। और हाँ, उससे पहले ना मैं आपको एक प्रोडक्ट का रिव्यू दे देती हूँ क्विकली, क्योंकि आपके लिए ये प्रोडक्ट हेल्पफुल हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है इसी वजह से। हे गाइज, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे और यूज़फुल प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और वो है बच्चों के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ का प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज़। ये बेस्ट डिटर्जेंट है आपके बच्चों के कपड़ों के लिए, और ये बेस्ट क्यों है ये भी आपको बता दूँ, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है, जैसे कि SLS, SLES, फॉस्फेट, ब्लीच, फोम बूस्टर एंड ऑप्टिकल ब्राइटनर, इस तरह के कोई भी केमिकल इसमें ऐड नहीं है, और इसे आप 0+ मंथ बच्चों के कपड़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे इसे यूज़ कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ। तो थोड़ा सा बाल्टी में आपको गुनगुना पानी लेना है, और उसमें ऐड करना है आपको ये मामा अर्थ का लॉन्ड्री डिटर्जेंट। इतना ध्यान रखिए कि छोटे बच्चों के कपड़े आपको सेपरेट ही भिगोने के लिए डालने हैं, बड़ों के कपड़ों के साथ कभी उनको भिगोने के लिए ना डालें। बस थोड़ा सा गुनगुने पानी में आपको ये मामा अर्थ का लॉन्ड्री डिटर्जेंट ऐड करना है, और उसके बाद आपको उसे अच्छे से घोल लेना है ताकि उसमें झाग आ जाए, और उसके बाद आपको आपके बच्चों के कपड़े उसमें ऐड करने हैं। वैसे आपको बता दूं कि मामा जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है, और आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और इंडियन प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए, वोकल फॉर लोकल। और हाँ, इसी तरह से आपको कपड़े भिगो के रखने हैं, थोड़ी देर के बाद इसे वॉश करना है। इस लॉन्ड्री डिटर्जेंट से आपके बच्चों के कपड़े अच्छे तो निकलते ही है और जम फ्री रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बच्चों के बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसीलिए मैं अपने बच्चों के कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ ये मामा अर्थ का प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबीज़। और हाँ, ये 10+ लोड के लिए भी अच्छा है, और इसमें आपको क्वांटिटी मिलती है 200 ml। 200 ml क्वांटिटी के लिए इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, 199 rupees आपको इसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। और उसमें भी आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो कंचन 2021, तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा मामा अर्थ की वेबसाइट पर इस प्रोडक्ट पर। और हाँ, ये जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है मामा अर्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन पे एंड फर्स्ट क्राई पे, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो। और अगर आप इसे मामा अर्थ की वेबसाइट से परचेस करते हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलेगा कंचन 2021, इससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा इस प्रोडक्ट पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना।
तो बस हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे खेत के पास, और यहाँ पर गाड़ी रोकी थी क्योंकि अंदर गाड़ी नहीं जाती है और वहाँ से अंदर 1 किलोमीटर तक जाना पड़ता है और छोटा सा रास्ता है, इसी वजह से बैलगाड़ी जाती है, ये वाली कार नहीं जाएंगी और कार फंस जाएगी, इसी वजह से हम लोग अंदर लेके भी नहीं गए थे। तो इस तरह से रास्ता है, और बेर का पेड़ मिला था हमें बीच में, तो बेर तोड़े हम लोगों ने पत्थर से, मुझे तो नहीं आता है बट इन्होंने पत्थर मारा, इन्होंने क्या, इनको भी इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आया, बट जो मेरी भाभी है, नहीं भाभी, उसको काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, उसने एक पत्थर से काफ़ी सारे बेर तोड़ दिए, मतलब नीचे गिर गए थे बेर, और हम लोग बेर फिर चुन रहे थे नीचे से, तो काफ़ी सारे बेर भी हम लोग घर पे लेके गए थे, काफ़ी अच्छे थे बेर, मतलब इतने ज़्यादा पके नहीं थे, कच्चे कच्चे जो बेर होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस महीने में बेर आते हैं क्योंकि हम लोगों की साइड में ना जनवरी महीने में वो संक्रांति का प्रोग्राम होता है, उसमें बेर लगते ही है, तो देखो कच्चे कच्चे बेर है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद खा रही थी मैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे भी, और मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। मैं ना, हम लोग क्या करते थे पहले बचपन में, मैं जब माही की जितनी थी उस टाइम हम लोग आते थे और बैलगाड़ी से आते थे, घर की बैलगाड़ी थी मेरे बड़े पापा की, तो उस टाइम आते थे हम लोग, और फिर क्या करते थे कि टिफ़िन वगैरह सब पूरी फैमिली, मेरी बड़े पापा की फैमिली, मेरी फैमिली और मेरे जो बीच वाले पापा है, हम लोग अन्ना बोलते हैं उन्हें, उनकी फैमिली, हम लोग पूरे आते थे, उनके बेटे और फिर मैं, हमारे यहाँ के सब दोनों भी भाई मेरे, हम लोग सब लोग आते थे, पूरी बड़ी फैमिली है हमारी। हम आपको बताने की तो ज़रूरत है नहीं, अपने शादी में तो देख ही लिए हैं भाई की, अगर शादी के ब्लॉग नहीं देखे हैं तो शादी के ब्लॉग भी देख लेना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देख के, अभी अभी शादी हुई है भाई की। और हाँ, बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था उस टाइम तो, मतलब बैलगाड़ी से हम लोग जाते थे और बैलगाड़ी से ही आते थे, काफ़ी मज़ा आता था, और वहाँ पर पूरा दिन रुकते थे, वहाँ पर बहुत मज़े करते थे, कभी कभी तो भंडारा भी करते थे, मतलब जैसे कि रोडगे वगैरह, रोडगे किस किस को पता है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और बिट्टिया किस किस को पता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ये तो हमारे साइड के डिशेस हैं, बट काफ़ी सारे लोगों को जो मराठी है उनको पता होगा, यहाँ पर ना वो था, मतलब मधुमक्खी का छत्ता, तो इसी वजह से हम लोगों को वो जो पीछे आदमी नहीं आ रहा था वो हमें बता रहे थे कि थोड़ा सा बच के चलना, यहाँ पर बेर के चक्कर में आप लोग वहाँ पर पत्थर मार दोगे और वो आपके पीछे लगेगी मधुमक्खियाँ, तो इसी वजह से हम लोग फिर जा रहे थे यहाँ से, और यहाँ पर ना, और शायद मधुमक्खी का दूसरा छत्ता दिख गया था हमें, तो ये रास्ते में मधुमक्खी के छत्ते दिख देख के ही जा रहे थे। और बस यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं, जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे मतलब खेत में, तब आपको खेत दिखा देती हूँ हमारे यहाँ का, ऐसे किस किस के यहाँ पे खेत में जाते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं और मज़े करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसे ही होता है, हम लोग क्या करते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग खेत में तो नहीं जाते, बट जिसके यहाँ पे खेत होता है ज़्यादा, तो वो लोग मतलब ऐसे मज़े करने के लिए, एंजॉय करने के लिए खेत में जाते हैं, टिफ़िन वगैरह लेके जाते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी दिनों के बाद जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर तुअर यानी कि जो हरहर की दाल होती है उसके ये पेड़ है, मतलब वो लगाई हुई है पूरे खेत में, और उसके बाद हरबरा लगाया है यानी कि चना, तो वो लगाया है, मतलब हमारे साइड में हरबरा बोलते हैं उसे चने को, और यहाँ पर तुअर बोलते हैं अरहर की दाल को, तो ये तुअर की दाल बोलते हैं, तो ये उसकी फलियाँ है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो इसीलिए क्लोज से दिखा रही हूँ, जिन जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिए, और जिन्होंने देखी है तो उनको तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर चने के ये पेड़ है छोटे छोटे, तो यहाँ पर चना अभी तक निकला नहीं है, मतलब बड़ा नहीं हुआ है, उसमें चने नहीं लगे हैं, बस इतना ही छोटे छोटे चने के पेड़ है। बहुत बड़ा खेत है मेरे मायके का, आपको ऊपर से दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक खेत है। ये तो एक खेत है, मतलब एक साइड का खेत है, जो दूसरा खेत है वो दूसरी साइड में है, जो पुराना हमारा जो मतलब मेरे पापा के पापा का, मतलब मेरे दादा का जो खेत है वो दूसरी साइड में है, तो वो जो हमारा पुश्तैनी खेत बोलते हैं ना उसे, वो मैं आपको कभी एक बार दिखा दूंगी, मतलब इससे पहले भी दिखाया है शायद मैंने आपको, एक बार हमारी पार्टी हुई थी वही वाले खेत में, जब बोर बनाई थी उस वाले खेत में तब पार्टी हुई थी, तब मैंने उस टाइम मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया था, उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी आई थिंक, मुझे याद है, हाँ हाँ मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है वो खेत भी, और आप देख लो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक हमारा खेत है, बहुत बड़ा खेत है। और यहाँ पर ना पापा पहले वो पपीता वगैरह के पेड़ भी लगाते थे, और उसके बाद वो भी लगाते थे केले वगैरह के,
कहने का ये मतलब ये है कि यहाँ पर बगीचा था पहले, अभी ये सब कुछ लगा रहे पापा, क्योंकि पापा से होता नहीं है और मेरे जो भाई है उनको समझता नहीं है खेत का कुछ भी, तो इसी वजह से वो सिर्फ ऐसे हमारे साथ घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनको खेत में का कुछ भी नहीं समझता है, सब पापा ही करते हैं और पापा से भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इसी वजह से ये ऐसे दे देते हैं पापा किसी को करने के लिए, हाफ हाफ ले लेते हैं, तो ये है। और हाँ, जो मैंने बाल्टियाँ नहीं दिखाई जंग खाई हुई नीचे, तो वो ना यहाँ पर पहले गुड़ का कारखाना हुआ करता था, तो इसी वजह से वो बाल्टियाँ, मतलब हमारे ही घर का गुड़ का कारखाना था, बट वो ना थोड़ा सा वर्कर का प्रॉब्लम हो रहा था, काफ़ी परेशान कर रहे थे वर्कर्स वगैरह, तो इसी वजह से पापा ने वो गुड़ का कारखाना बंद कर दिया। और पापा से हो भी नहीं रहा था क्योंकि पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी था, तो इसी वजह से पापा दो दो जगह नहीं संभाल पा रहे थे, तो इसी वजह से पापा ने वो कारखाना बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो घर आप देख रहे हो, ये हमारा फार्म हाउस है, इसको प्लास्टर, ऊपर का जो रूम है उसको प्लास्टर नहीं हुआ है, नीचे का हुआ है। पहले ना यहाँ पर पापा ने एक फैमिली रखी थी, मतलब कपल रखा था, वो लोग रहते थे यहाँ पर, वो लोग देख रेख करते थे खेत की, बट अभी वो है या नहीं है वो नहीं पता मुझे, मतलब अभी तो दिखे नहीं मुझे, बट मैंने पूछा भी नहीं ये सब अभी है या नहीं है, इसकी तो जानकारी नहीं है मुझे। और यहाँ पर ये पेड़ पता नहीं ये किस चीज़ का है, मुझे नहीं पता, आप लोगों को अगर पहचानते हो इस पेड़ को आप, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। मम्मी ने बताया था रामफल या सीताफल इस चीज़ का, मतलब इसमें से किसी तो बिका है वो। और उसके बाद यहाँ पर ये मंदिर है, एक्चुअली ये ना हमारे खेत जब हम लोगों ने लिया था, मतलब पापा ने लिया था ये खेत, तभी ये मंदिर यहाँ पर, मतलब ये जो बहरम बाबा है वो यहाँ पर ऐसे ही खुले में थे, तो पापा ने ये मंदिर बनाया। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग हर साल भंडारा रखते हैं, मतलब उस टाइम पे जब मंदिर बनाया था, मतलब जब बहरम बाबा का दिन होता है उस टाइम पे हम लोग भंडारा रखते हैं, और उसके बाद बहुत बड़ा भंडारा होता है उस टाइम भी, मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, अगले महीने ही होगा वो भंडारा। पिछले साल के भंडारे का भी ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर बेल का पेड़ भी है, दो पेड़ है, चार पेड़ लगाए थे, मम्मी वही बता रही थी यहाँ पर कि चार पेड़ लगाए थे बट दो ही रह गए, दो का क्या हुआ ये नहीं पता। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। और हाँ, रामफल या सीताफल कुछ तो भी बता रही थी मम्मी, यहाँ पे बादाम का भी पेड़ है और उसके बाद ये बेल का पेड़ है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर ही खाना खा लिया था, तो यहाँ पर कुछ काम नहीं था, तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर फलियाँ तोड़ी वो अरहर की, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। दंडवत कितनी मस्त पूजा करती है। बस यहाँ पर अद्विक की प्रेयर हो गई है, अद्विक मस्ती कर रहा है और छुपा छुपी खेल रहे थे दोनों भाई बहन यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आते हैं तभी खेत में आते हैं, वरना जो मेरे ससुराल का खेत है तो वो तो हमने किसी ने नहीं देखा है, मतलब मेरे हस्बैंड ने वगैरह देखा है, बट जो बहुए है उन्होंने किसी ने नहीं देखा है, हम लोग बहुए जाते नहीं है खेत में, इसी वजह से वहाँ का खेत तो देखने के लिए नहीं मिलता है, तो कोई भी नहीं गया है वहाँ पे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आने के बाद खेत में आते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। बस यहाँ पर वही चल रहा है, यहाँ पर दोनों सास बहू लगे हैं वो करने के लिए, मतलब तुअर की फलियाँ तोड़ने के लिए, यहाँ पर फलियाँ तोड़ेंगे, घर पर लेके जाएंगे, उसकी सब्जी बनाएंगे, मैंने जैसे कि आपको एक ब्लॉग में दिखाई है। और जो हरे वाले अरहर के दाने होते हैं ना, उसकी सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, आपको क्या बताओ। और हाँ, किस किस ने इसकी सब्जी खाई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा सुन के कि हमारे साइड में जो रेसिपी होती है वो आपके साइड में भी होती है, आपने शायद महाराष्ट्र के लोगों ने ही वो सब्जी खाई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना लेकिन आपने खाई है या नहीं। चलिए गाइज, निकल चुके हैं हम लोग यहाँ पर, इंजॉय हो गया हमारा, देखिए बाय बाय करते हैं घर को और हमारे खेत को जाते हैं घर पे। और हाँ, घर पे जाके थोड़ा सा थक जाऊंगी तो आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो यहाँ पर ही एंड करती हूँ ब्लॉग का, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। देखो मैंने बोला था नागपुर टैनिंग हो जाएगी, तो टैनिंग हो ही गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टैन लग रहा है फेस, तो मुझे लगा ही था, मुझे पता ही था टैनिंग हो जाएगी, क्योंकि सनस्क्रीन मैं लेके नहीं आई थी, रीअप्लाई नहीं कर पाई इसी वजह से। चलिए कोई बात नहीं, डिटैन कर लेंगे उसे, घर पे चलते हैं, उसके बाद मिल नहीं पाऊंगी आपसे,
रेस्ट करूंगी थोड़ी देर, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा का लिंक और दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।